बदीन से आपको अपडेट देते चलें कि महंगाई, बेरोजगारी और सूदी निजाम के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मौसलाधार बारिश में रैली और मुजाहरा। कारकुनों ने दौरान बारिश जेर आप रोड पर रैली निकाली और मुजाहरा किया। जमात इस्लामी बदीन जिला के कारकुनों ने बेरोजगारी, गुरबत, महंगाई और सूदी निजाम, वफाकी और सूबाई हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जिला अमीर सैयद अली मर्दान शाह की क्यादत में मौसलाधार बारिश के दौरान कारकुनों ने गरीब आबाद बदीन से बदीन प्रेस क्लब तक जेर आप रोड रस्तों से गुजर कर बदीन प्रेस क्लब पहुँचकर मुजाहरा किया। इस मौके पर कारकुनों ने वफाकी और सूबाई हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ पुरजोश नारेबाजी भी की। इस मौके पर जमात इस्लामी जिला बदीन के सैयद अली मर्दान शाह, नायब अमरुल्ला बचाइयो, गुलाम रसूल हमदान, अब्दुल करीम, जनरल सेक्रेटरी अजीम अहमद, फतेह खान खोसा, प्रोफेसर अली अहमद बलीदिया, यास लतीफ सुमरो और दीगर ने शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क की मुआशी निज़ाम तबाही के दहाने पर है। भूख और अफलास के बायस नौजवान मनफी सरगर्मी और खुदकुशी का शिकार हो रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। करी ने मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा मुआशी तबाही की अहम वजह है। जमात इस्लामी मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे, इंसाफ के दौरे निज़ाम के खात्मे और मुल्क में मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए जदोजहद का सिलसिला जारी रहेगा।